मेथी तोड़ती हुई दो लड़कियां, सिंपल ट्रिक वर्सेस सुपर ट्रिक, देखते हैं कौन, आज हम चेक करने जा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। आज हमने दो गुत्थी मेथी की ली है, एक मेरे पास है और एक यहाँ पे मेरे पास है, तो देखते हैं कि आज सिंपल ट्रिक जीतती है या फिर सुपर ट्रिक। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके मेथी छील रहे हैं, तो आप ऐसे ही इससे मेथी छील सकते हैं आराम आराम से। दोनों लड़कियां लगी हुई हैं, देखते हैं इस ट्रिक से कैसे मिस मेथी की गुच्छी को कौन जल्दी छील पाएगा। दोनों में बराबरी है, अभी तो दिख रहा है इसकी प्लेट में इतने हैं और इस लड़की की देखते हैं ये थाली में इतने हैं। ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, ये डंडी ली डाल ली और ये नीचे से निकाल ली और ये गंजी हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे जो है मेथी को छील रहे हैं, कैसे कैसे जो ये मेथी है यहाँ पर देख सकते हैं आराम आराम से जो है इतनी जल्दी जल्दी जो है मेथी यहाँ पर छील रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मेथी जो है दूसरी तरफ भी छिल रही है। तो अब देखते हैं कि कौन सी ट्रिक जो है सबसे ज़्यादा कामयाब है, सिंपल ट्रिक या फिर सुपर ट्रिक, कौन सी ट्रिक जो है अब जीतेगी। घर पर जो है मेथी छीलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इस वजह से आज हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी ट्रिक जो है सबसे बढ़िया है, जिससे आप आराम से और आसानी से जो है इस मेथी को जो है आसानी से छील सकते हैं। परांठे बनाने में दिक्कत होती है, अगर आपको घर पे परांठे बनाने हैं या फिर बच्चों का मन है कि वो मेथी के परांठे खाए, तो उसके लिए आप कैसे सुबह सुबह उठ के या फिर आप लगते हैं तब भी जो आपकी मेथी है वो जल्दी जल्दी नहीं छिलती है, लेकिन इस ट्रिक से आप आसानी से जो है आसानी से बिल्कुल जो अपनी मेथी को है छील सकते हैं। तो आपको जो है सिर्फ ऐसे करना है और मेथी को जो है इसके अंदर डालना है, और आप पहले ही जो अपने पत्तों को देख लीजिए, अगर पत्ते अगर ज़्यादा ख़राब है तो बीच में से पत्तों को निकाल दीजिए। दोनों में शानदार मुकाबला चल रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथी बिल्कुल ही बराबर ली थी, लेकिन अब आप देख लीजिए इस प्लेट में थोड़ी मेथी ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर थोड़ी कम लग रही है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा हो क्योंकि मेथी यहाँ पर बिखरी हुई है और यहाँ पर मेथी एक ही जगह इकट्ठी है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए मेथी में पत्ते, इस मेथी में जब हम इस तरह से मेथी को तोड़ते हैं तो कुछ पत्ते रह जाते हैं, लेकिन इस तरह से देखिए अगर इस तरीके से मेथी टूटती है तो सारे के सारे पत्ते यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल ही टहनियाँ, सिंपल टहनियाँ हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं। ये देखिए लग रहा है कि ये प्लेट ज़्यादा भर रही है, इसके अंदर ज़्यादा मेथियाँ हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक और बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इन मेथी में पत्ते अभी भी बाकी हैं, ये देखिए यहाँ पर मेथी की वेस्टेज दिख रही है। अगर इस मेथड से अगर मेथी तोड़ी जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस मेथड से देखिए मेथी भी जल्दी टूट रही है और ये देखिए बिल्कुल भी एक भी पत्ता नहीं है इन टहनियों में। ये देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी मेथी रह गई है यहाँ पर, बिल्कुल आप देख सकते हैं सिर्फ तीन चार टहनियाँ रह गई हैं और यहाँ पर अभी आधी से ज़्यादा मेथी पड़ी है। अभी तक भी सस्पेंस बना हुआ है कि कौन जीतेगा, अभी भी
बताया नहीं जा सकता कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज्यादा है। यहाँ पर मेथी बिल्कुल ही सही तरीके से टूट रही है, लेकिन यहाँ पर मेथी जल्दी जल्दी टूट रही है और वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हो रही है। ये देखिए कितनी वेस्टेज हो रही है, जल्दी तोड़ने के लिए ये लड़की बहुत ही ज्यादा वेस्टेज कर रही है। ये देखिए कितनी वेस्टेज हो रही है, लेकिन इस ट्रिक से, ये देखिए इस ट्रिक से बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रही है। मेथी बेशक आराम से टूट रही है, लेकिन वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मेथी देखिए बिल्कुल मेथी टूट चुकी है, बिल्कुल सारी की सारी मेथी प्लेट में आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टेज कितनी ज्यादा है। एक पत्ते पे, एक एक टहनी पे अभी भी बहुत सारे पत्ते हैं। अगर ये पत्ते वेस्टेज नहीं है, इन पत्तों को भी अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पत्ते वेस्ट कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये लड़की जल्दी अपनी मेथी को तोड़ सके। ये एक वेस्टेज की तरह है, लेकिन इस ट्रिक से आप देख सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए टहनियाँ, इन टहनियों पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं है। ये ट्रिक बहुत ही कारगर ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं वेस्टेज में जो पत्ते बचे हुए थे, उन पत्तों को भी ये लड़की दोबारा से तोड़ने लगी है। तो इस ट्रिक से ये पता चलता है कि बेशक हम ऐसे तोड़कर मेथी को जल्दी तोड़ सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक से बिल्कुल ही सफाई आपको दिखती है। मेथी, एक भी टहनी पर मेथी नहीं रहती है। आपको बस क्या करना है, एक बार मेथी को चेक करना है और ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद।